Thank you, ma'am. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Yeah, thank you very much. Indeed, it's a pleasure and honor to be amongst all the people, those who have assembled here on the virtual platform of Zoom, and to zoom out your own caliber, to zoom out your own potentials, to zoom out your future. Everything is just zooming out. And indeed, it's a pleasure to be among three colleges which are known as the Trinities. The three colleges have come together to have something beneficial for the benefit of the students. And indeed, calling a person like Mr. Ayush, who is not only a person with religious aptitude, but at the same time, who has taken a lot of time of his life in dealing with the people, in dealing with the mind, in dealing with the heart, in dealing with the society, in dealing with each and every aspect of life. As far as human beings are concerned, they are made up of various things. As we say, they are made up of five important things. And if we take these five important things together, and we call them as Panch Tattva. And when we say that Panch Tattva, so the man is made up of Panch Tattva, and when he goes out of this world, then he is being mixed with the Panch Tattva. So all these Panch Tattvas, they are the real essence of our life. They lead us together. They lead us to the Supreme. They take us to a place wherein we go to the apex of our life. So, जहां तक ये पंच तत्व की हम बात करते हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो शायद हिंदी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाए और अंग्रेजी का ज्यादा से ज्यादा प्रभाव और अंग्रेजी का ज्यादा से ज्यादा प्रभुत्व और अंग्रेजी इतनी ज्यादा मात्रा में जब चलती चली जाती है तो हो सकता है उनके ज्ञान चक्षु उतने न खुल पाते हों या वो उतना न समझ पाते हों. तो उनके लिए भी है कि बहुत पहले कुमार दुष्यंत ने चार पंक्तियां कही थी कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं पर ये सूरत बदलनी चाहिए. हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं पर ये सूरत बदलनी चाहिए. मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही. हो कहीं भी आग आग जलनी चाहिए. वो आग जलनी चाहिए. आज आयुष ने वो आग जगाई. हम सब के अंदर आग है लेकिन शायद वो आग जो है वो सुप्त अवस्था में है. वो डॉर्मेंट है. वो साइलेंट है. वो उसने अपने यौवन को देखा ही नहीं. उस आग को जलाने की जरूरत है. उस आग को पहचानने की जरूरत है. और हर व्यक्ति के अंदर वो प्रतिभा होती ही है. और दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें हमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को दूसरों के मुकाबले हम जब देखते हैं तो हमें लगता है. लेकिन हमें ये मानना चाहिए कि हमारा मुकाबला किसी और से नहीं. हमारा मुकाबला केवल अपने आप से है कि मैं कल क्या था, आज मैं क्या हूं और आगे मैं क्या बनूं. यदि ये मुकाबला हम अपने आप से करने लग जाएं, तो मुझे लगता है कि आपको किसी दूसरे के सहारे की जरूरत ही कभी नहीं पड़ेगी. बहुत सारे लोग सोचते हैं सपोर्ट कहाँ से आता है. सपोर्ट हमारे अंदर है और वो सपोर्ट यदि हम अपने अंदर से निकाल पाएं तब हम निश्चित तौर पर उस पोर्ट के पास पहुंच सकते हैं. जैसे एक जहाज जो है वो पोर्ट के पास पहुंचता है, उसे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती. और सारी हवाएं यदि आपके फेवर में चलने लगेंगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे. चैलेंज तो तब है जब अनफेवरेबल विंड्स आपकी ओर आए और आप अपने अंदर के सामर्थ्य को जगाकर आप आगे की ओर बढ़ जाए. द बेसिक थिंग इज यू मस्ट नो द यू इन यू. एंड इफ देर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द यू इन यू मीन्स द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द हार्ट एंड द माइंड. देर शुड बी अ कल्मिनेशन ऑफ द हार्ट एंड द माइंड. एंड वेन देर इज अ कल्मिनेशन ऑफ द हार्ट एंड द माइंड, वेन देर इज अ कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन ऑफ द माइंड एंड द हार्ट, then every individual will bloom like a flower. और इसीलिए जब मैंने कुमार दुष्यंत को आपके सामने कोट किया तो मुझे याद आया अब्दुल कलाम. कुमार दुष्यंत ने तो केवल आग जलाई थी लेकिन हमारे अब्दुल कलाम जी ने तो एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर. अब्दुल कलाम जी ने तो आग के भी पंख लगा दिए थे. तो हम तो वो लोग हैं जो आग के पंख लगाकर इस नीले आकाश में उड़ते हैं. सो एक अदम्य शक्ति हम युवाओं में, एक अदम्य साहस हम युवाओं में है, एक अदम्य चेतना हमारे अंदर है. केवल जागृत करने की जरूरत है. और जितने भी शब्द अंग्रेजी के इन से स्टार्ट होते हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंस हो, इंट्रोस्पेक्शन हो,
या फिर इंटरेस्ट हो, या फॉर एग्जांपल इंट्रोगेशन हो, या इंटीग्रेशन हो, या इंट्यूशन हो, सब में इन होता है। इन मतलब सब हमारे अंदर है। इंटरेस्ट कोई दूसरा बाहर से जगा नहीं पाएगा, ये हमारे अंदर। इंट्रोस्पेक्शन भी हमारे अंदर है, इंटरेस्ट भी हमारे अंदर है, इनकल्केशन भी हमारे अंदर है। तो सारे इन जो हैं वो हमारे भीतर ही, शायद हम अपने भीतर के उस व्यक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं। जहां तक आप चाहते हैं कि आसमान कितना है या होराइजन क्या है, तो होराइजन की ओर जाते जाइएगा, होराइजन कभी आपको दिखाई नहीं देगा, ना कभी मिलता है, और वही हमारी सीमाएं हैं। हमारे लिए कोई सीमाएं नहीं है, और इमेजिनेशन की जहां तक बात है कोई सीमाएं होती भी नहीं। और साहित्य क्या है, आपको लगता है साहित्य, साहित्य हर वो चीज है जो आप देख रहे हैं। लिटरेचर इज नथिंग बट लिट द कल्चर। इफ यू लिट द कल्चर, बस उस कल्चर को आप लिट करिए, उसमें ऊर्जा जगाइए, उसमें आग जगाइए, उसमें एक टिमटिमाता दीपक आप अपने अंदर रखिए। और इस पैंडेमिक में लोगों ने कहा कि सारी तरफ चीजें जो है वो नकारात्मक थी, मेरा मानना है कि नकारात्मक हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, नकारात्मक हमेशा ऋण हॉरिजॉन्टल होता है, और जब हम खड़े होते हैं तो हम वर्टिकल खड़े होते हैं, और जहां जहां नकारात्मक है वहां वहां आप खड़े हो जाइए, वो नकारात्मक आपके खड़े होने से पॉजिटिव बन जाता है। और वो एक ऊर्जा, वो एक ताकत हमारे सबके अंदर है। और जहां तक बात करते हैं हम इंग्लिश लिटरेचर की या इंग्लिश की, सबसे बड़ी चीज जैसे बेकन ने कहा था, रीडिंग में कहा था, गुड मैन कॉन्फिडेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। रीडिंग किस चीज का? रीडिंग उन सारे चीजों का जो आयुष ने कहा कि आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपको पसंद आता है, बस उसे पढ़ते चले जाइए। और केवल पढ़ना नहीं, बल्कि लोगों के साथ उसका डिस्कशन भी लगातार करते जाइए। तभी बेकन ने कहा था, कॉन्फिडेंस मेक्स अ रेडी मैन, और वी नीड टू बी रेडी फॉर ऑल द ओकेजन। हर समय हर चीज के लिए हमें रेडी होना चाहिए। और लोग कहते हैं, और इवन यूथ हॉस्टल ऑफ इंडिया ये भी कहता है, वॉन्डरिंग वन गैदर्स हनी। और वही आयुष ने, एक जो हमारे मित्र थे आदित्य, शायद उन्होंने प्रश्न पूछा था, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। गांधी जी ने भी सबसे पहला काम बैरिस्टर बन के आने के बाद यही किया था, पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया था, और उसी भारत के भ्रमण के दौरान ही उन्होंने और लोगों को उन्होंने देखा, जिस तरीके से उनके बदन पे कपड़े नहीं थे, और वहां से गांधी बनने की परंपरा, वहां से गांधी बनने का एक साहस उनके मन में आया। तो इसलिए देश को जानना, देश के लोगों को जानना, देश को पहचानना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा मकसद क्या है, मैं किस लिए हूँ। और हर एक व्यक्ति का इस धरा पर जब वो अवतरित होता है तो उसका एक मकसद जरूर होता है, और उस मकसद को पाने के लिए हम न जाने कितने ऐसे लोग, मेरे को बहुत गुस्सा आती है, एंड वी कीप ऑन, एक कान से सुनते हो क्या? नहीं, मैं दोनों कान से सुनता हूं। संगीता देशमुख प्लीज म्यूट, सॉरी, नहीं कोई बात नहीं, मैं दोनों कान से सुनता हूं, और दोनों कान से सुनता हूं, और भगवान ने एक मुंह दिया है उसी से। सॉरी सर, सॉरी सॉरी, आपके लिए नहीं था वो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कृपया म्यूट कर लीजिएगा। मैं तो मौके की नजाकत को देखते हुए आपकी भाषाओं से अपनी भाषाओं में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा इन युवाओं से कहने का तात्पर्य यह है कि आपके लिए कोई सीमाएं नहीं है। आप केवल कभी ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। यदि आप यही सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो वो लोग जो कह रहे हैं वो क्या करेंगे फिर। तो हमारे हिंदी फिल्मों में एक अच्छा गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रैना। और ये जो रैना है वही समय है, ये हमेशा बीतता है, इसको आप कोई नहीं पकड़ पाएंगे। तो लोगों की बातें यदि सुनने लगे तो आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे हिंदी में कहावत है, कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार। यदि हाथी कुत्ते के पीछे भागने लग जाएगा तो हाथी कभी अपने गंतव्य की ओर, अपने फ्यूचर की ओर बढ़ नहीं पाएगा, अपनी निशानी की ओर बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए हाथी को ये जाना है तो वो कुत्ते को कभी नहीं देखता, वो अपनी राह पकड़ कर चला जाता है। तो एक राह पकड़िए और उस राह पे चलिए, और अपने ज्ञान चक्षुओं को ऐसे खोलिए, क्योंकि आज के जमाने में आप टांगे में लगने वाले घोड़े की जैसा ऐसा नहीं जा सकते, आपको इन सारे चीजों को देखने की जरूरत है। यदि आप एक ही दरवाजे की ओर ताकते रह जाएंगे कि वो दरवाजा खुले और मैं अंदर चला जाऊं, तो पता लगता है कि न जाने उस कमरे में कितने दरवाजे थे, वो खुलते गए, लोग जाते गए, लेकिन आप केवल एक ही दरवाजे पर नजर लगाए बैठे हैं, तो आप वहीं रुक गए। इसीलिए माउंटेन ड्यू भी कहता है, डर के आगे जीत है। आप डरिए मत, जो डर गया लोग कहते हैं मर गया,
मैं कहता हूँ मारना क्यों किसी को? फिर कहते हैं जो डर गया वो घर गया, किसी का घर नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? तो जो डर गया वो रह गया, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाता है उस डर के कारण। इसलिए द बेसिक थिंग एज फार एज इंग्लिश एंड दैट टू फॉर द स्टूडेंट्स इज कंसर्न, आपको इंग्लिश से फियर लगता है, राइट? सो फियर इज FEAR, और चूंकि वो फियर होता है इसलिए इंग्लिश आपको डियर नहीं होता, राइट? चूंकि वो डियर नहीं होता इसलिए वो आपके नियर नहीं होता, क्योंकि वो आपके नियर नहीं होता इसलिए आपको क्लियर नहीं होता। सो दैट्स द थिंग। सो यदि आपको इंग्लिश को क्लियर करना है, नियर करना है, डियर करना है, उसका फियर निकालना है, तो एक तरीका है, फियर में से एफ हटा दीजिए, बचा क्या? ईयर। डियर में से डी हटा दीजिए, बचा क्या? ईयर। फिर नियर में से एन हटाइए, बचा क्या? ईयर। क्लियर में से सीएल हटाइए, बचा क्या? ईयर। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं कहता हूं आप मुझे कान दो मैं आपको अंग्रेजी देता हूं। सो व्हाट वी नीड ओनली द ईयर्स टू लिसन। द मोमेंट यू स्टार्ट लिसनिंग टू द पीपल, द मोर एंड मोर यू लिसन टू द पीपल एंड द अमाउंट दैट यू लिसन टू द पीपल यू विल ट्राई टू स्पीक एंड दैट्स व्हाई द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ स्पीकिंग इज लिसनिंग। द चाइल्ड लिसन्स टू ऑल द पीपल फॉर अबाउट अ ईयर। You, after 9 to 10 months, the child speaks one syllable, ma, right? The very first syllable, ma. क्या 9 से 10 महीने तक बच्चे ने कभी बोला ही नहीं था, बोला नहीं था, लेकिन क्या बच्चे ने सुना नहीं था? बच्चे ने सुना था, लेकिन बच्चे ने बोलने में उतना समय दिया। और जब बच्चा बोलने लग जाता है, मतलब ये है कि उसके कान सुनाई देते हैं। और जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर उससे ऐसा करता है तो बच्चा तुरंत सर नहीं घुमाता, क्योंकि उसका सर भारी होता है, वो नजरें घुमाता है। नजरें घुमाने से डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि बच्चे का राइट ईयर सही है। लेफ्ट सर नजरें घुमाता है तो लेफ्ट ईयर सही है। मींस इफ द चाइल्ड कैन लिसन देन द चाइल्ड कैन स्पीक। और इसीलिए लिसनिंग और स्पीकिंग हमारे घर पे होती है। जब हम स्कूल में जाते हैं तो देन वी डू रीडिंग एंड राइटिंग। इसीलिए जब आप स्कूल से वापस आते हैं, कॉलेज से वापस आते हैं, तो पेरेंट्स पूछते हैं कि पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही। कोई नहीं कहता लिखाई पढ़ाई कैसे चल रही। पढ़ाई पहले है, लिखाई बाद में है। सो राइटिंग इज द टफेस्ट स्किल, लेकिन उसके पहले हमारी रीडिंग है, और उससे भी पहले लिसनिंग और स्पीकिंग है। लेकिन हमने इंग्लिश उल्टे तरीके से सीखी। इंग्लिश हमने सबसे पहले राइटिंग से सीखी। हमारे सारे टीचर ने हमें लिखना पहले सिखाया। बोर्ड पे लिख देते थे ए करके, और उस ए पे हम ऐसा लिखते थे कई बार, और हमारा ए ऐसा बनता था जैसे बच्चा पैदा होने के बाद ऐसा ऐसा चलता है, वैसा हमारा ए बड़ा आसा बनता था। और धीरे धीरे वो ए जो है सिमटता सिमटता एकदम ऐसा आ गया। तो इसको हिंदी में कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान। तो जड़मती जो है वो सुजान हो गए, तो हमारा ए वैसा बनने लगे। फिर टीचर ने लिखा जी एंड ओ, और टीचर ने कहा नाउ रीड इट, हमने कहा गो। उसके बगल में टीचर ने लिखा डी, रीड इट, हमने कहा जी ओ डी, गॉड। हमने पहले रीडिंग किया, उसके बाद हमने पहले राइटिंग किया, उसके बाद हमने क्या किया? रीडिंग किया। जबकि हम अपनी मदर टंग जब सीखते हैं तो पहले हम लिसनिंग करते हैं, फिर स्पीकिंग करते हैं, फिर रीडिंग करते हैं, और लास्ट में राइटिंग करते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश सीखे तो पहले हमने राइटिंग की, उसके बाद हमने उसको क्या किया? रीडिंग किया। लेकिन जहां स्पीकिंग की बात आती है वहां हम साइलेंट हो जाते हैं, और जहां लिसनिंग की बात होती है वहां हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। सो देयर शुड नॉट बी लैक ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज कम्युनिकेशन इज द ओनली की इन दिस ICT वर्ल्ड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसमें भी हम कहते हैं आई डिडंट मीन टू से दैट, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। तो इतनी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद भी मिसकम्युनिकेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक हम मिस कर रहे हैं, तभी हमारा कम्युनिकेशन भी मिस हो रहा है। हम लोगों के प्रति सिंपैथी रखते हैं, लेकिन हमें लोगों के प्रति एम्पैथी रखनी चाहिए, परानुभूति रखना चाहिए। पर जैसा अनुभव करता है वैसा ही यदि मैं अनुभव करता हूं तो वो परानुभूति है। लोगों के प्रति हमें समानुभूति रखनी चाहिए, सहानुभूति नहीं, समानुभूति रखना चाहिए। और समानुभूति यदि है तो वो मेरे अंदर में जो है वो आपके अंदर में है, और आपके अंदर में जो है वो मेरे अंदर में है। आप क्या बनते हैं क्या नहीं बनते हैं ये मतलब नहीं है, लेकिन वॉट एवर यू आर अ गिफ्ट ऑफ गॉड, एंड वॉट यू बिकम इज अ गिफ्ट टू गॉड। इसलिए आप जो है वो भगवान की देन है, आप जो बनेंगे वो भगवान को आपकी ओर से देन होगा। तो वॉट एवर यू बिकम,
जस्ट नेवर एवर लिसन टू पीपल. एक बार आइंस्टीन से लोगों ने पूछा, यू हैव इन्वेंटेड ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, हाउ डू यू डू दैट? यदि सचिन होता तो कहता बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी. यदि युवराज होता तो कहता सोना चांदी च्यवनप्राश इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी. लेकिन आइंस्टीन ने कहा, आई ओ माई इन्वेंशन टू ऑल माई क्रिटिक्स, दोज हू सेड आइंस्टीन यू कैन नॉट डू इट. देन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दोज क्रिटिक्स. और यदि निंदक मेरे पास नहीं होते तो मैं ये सफलता प्राप्त नहीं करता. इसलिए हिंदी में एक और कहावत है जो कहता है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए. तो निंदा करने वाले को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाले जो होते हैं वो आपको आगे की ओर ले जाते हैं, आगे की ओर ढकेलते हैं और कहते हैं कि नहीं तू कर सकता है. और हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति में वो करने का मानदा है. और पैंडेमिक जो है ये हमें ये सिखाता है कि हाउ टू गो फ्रॉम पैंडेमिक टू पैन एकेडमिक. आज यदि आप आयुष से सुन पा रहे हैं ऑनलाइन में, ये पैन एकेडमिक है. सो हाउ टू कन्वर्ट द सिचुएशन फ्रॉम पैंडेमिक टू पैन एकेडमिक. सो दिस इज व्हाट वी कॉल पैन एकेडमिक. और एक चीज है, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे. द मोमेंट यू डू अ काइंड ऑफ एन एफर्ट टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट, देन देयर लाइज द सक्सेस. और वहां पर सक्सेस है, और आपको केवल एक एफर्ट करने की जरूरत है कंफर्ट से. एक बार एक जो कीड़ा था वो एक कवच के अंदर था, जब पैदा हुआ तो वो फड़फड़ा रहा था. किसी बच्चे ने देखा, अरे वो निकलने के लिए फड़फड़ा रहा है, उसको बहुत अंदर से सिंपैथी जाएगी और उसने कहा कि इसके झिल्ली को फाड़ देता हूँ, वो निकल आएगा बाहर. और जैसे ही उसने झिल्ली को फाड़ा वो निकला, और निकलने के बाद वो पूरे जिंदगी भर रेंगता रहा, वो कभी उड़ नहीं पाया. कारण क्या था? ये चुनौतियां हमारे सामने हैं और हमारी कोई मदद करे हम सोचते हैं नहीं. भगवान ने हमें इतना काबिल बनाया है कि हम अपनी मदद स्वयं कर सकते हैं. इसीलिए हिम्मते मर्दा मददे खुदा हम कहते हैं. और हम युवाओं को भी यही कहना चाहते हैं कि कौन कहता है आसमां पे सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार. तो आप में वो मानदा होना चाहिए एक पत्थर को उछालने की, और वो ऊर्जा हमारे अंदर है. केवल आत्मसात करने की जरूरत है कि व्हाट एम आई, और व्हाट एम आई को आपको करना है तो आप केवल एक काम करिए. स्वामी निसर्गानंद महाराज ने लिखा था व्हाट आई एम नॉट. तो सबसे पहले आप ये लिखिए कि व्हाट आई एम नॉट, मैं क्या नहीं हूं, क्या नहीं हूं, क्या नहीं हूं. और अंततोगत्वा आप फोकस पॉइंट पे आएंगे कि क्या नहीं हूं में से आप क्या हैं, वहां तक आ जाएंगे. तो दैट्स व्हाट इज कम्युनिकेशन टू द सेल्फ. आपका कम्युनिकेशन तभी अच्छा हो सकता है जब आप अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं. और आपका कम्युनिकेशन जब तक आपके अंदर से नहीं होगा. और व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्यून इज अ सोसाइटी. व्हेन यू कम्यून विद द पीपल, व्हेन यू कम्यून टू द सेल्फ, आपके अंदर में इतने सारे ऑर्गन्स हैं, उन सारे ऑर्गन्स के साथ आपका अपना कम्युनिकेशन. एंड दैट्स व्हाट आयुष वाज टॉकिंग अबाउट. एज फार एज आयुष हैज स्पोकन अबाउट द मैनेजमेंट फील्ड, ही हैज स्पोकन अबाउट द सोशल फील्ड, ही हैज स्पोकन अबाउट वेरियस मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ही हैज स्पोकन अबाउट इवन करियर गाइडेंस, ही हैज स्पोकन अबाउट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, ही हैज स्पोकन अबाउट ऑल द फील्ड्स. एंड वेर इज इंग्लिश? इफ यू आस्क मी वेर इज इंग्लिश, आई विल से इंग्लिश इज इन द एयर एंड एवरीवेयर. इंग्लिश कहाँ नहीं है? आप मराठी में भी एक सेंटेंस बगैर अंग्रेजी के नहीं बोल पा रहे हैं, हम हिंदी भी बगैर अंग्रेजी के नहीं बोल पा रहे हैं. तो इंग्लिश हैज बिकम लाइक अ टोमेटो विच कुड बी एडेड टू एनी ऑफ द वेजिटेबल टू मेक इट्स टेस्ट बेटर. सो इंग्लिश हैज बिकम अ टोमेटो नाउअडेज. इवन द इलिटरेट पर्सन ही यूजेस दिस एंड सेज, इसमें टावर नहीं है, रिचार्ज कराना है, मोबाइल, टच स्क्रीन, एवरी वर्ड इज इंग्लिश. एंड द पर्सन इज इलिटरेट, ही कैन नॉट राइट हिज नेम, बट ही इज यूजिंग इंग्लिश. व्हाई? Because he is listening to English. So that's why our ears are the uploading units and our brain is the biggest hard disk available in the world and mouth is the downloading unit. So whatever you listen from here, upload, you store here and you download. So that's why have energy in yourself, have capability in yourself, and every individual is capable of doing the things. So isiliye Robert Frost ne kaha tha, I am telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence,
Two roads diverged in the wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. एक बार मैं जंगल में जा रहा था, वहां दो रास्ते मुझे दिखाई दिए, और मैंने उस रास्ते को चुना जिस रास्ते पे बहुत कम लोग चले थे, और उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। कई बार ये भी होता है कि आपको अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है। और आप देखिएगा, गाँव में जाइएगा रात में तो पगडंडियां रहती हैं, और अमावस की रात में भी वो पगडंडियां आपको दिखाई देती हैं, क्योंकि लोग उस पर चले थे। और कई बार आप उस पथ पे भी चलिए, और कई बार आप अपना रास्ता खुद बनाइए, जहां पर आपको खुद पे संतोष होगा, और उस परमात्मा को भी आप पर संतोष होगा जिसने आपको बनाया था। सो इट वॉज अ वंडरफुल डिलिब्रेशन बाय मिस्टर आयुष, एंड ही हैज नॉट ओनली एनलाइटेंड अस, बट ही हैज ओपन्ड अप मेनी विस्टास इन फ्रंट ऑफ अस, एंड द पर्सन हु हैज बीन चैलेंज्ड बाय लाइफ to a greater extent is now challenging the life, and that's the basic thing. यदि जीवन आपके सामने चुनौतियां रखता है, तो आप चुनौतियों से भी कहिए कि तू मेरे से आके मुकाबला कर, और मैं देखना चाहता हूं कि मेरे अंदर कितना मानदा है तेरी चुनौतियों को जीतने का, और आप केवल अपने दिल के अंदर एक टिमटिमाता दीपक स्नेह का जलाए रखिए, और वही स्नेह का दीपक आपको उजाले से नहीं बल्कि अंधियारे से उजाले की ओर ले जाने में सक्षम होगा। और इसलिए अपने अंदर के अंधेरे से उजाले की ओर जाइए, और इस कोरोना ने, आप कोरोना कहते हैं, आप इसको कोरोना कहते हैं, मैं कहता हूं इस द टाइम ऑफ करो। Sir, you are muted. Right, ma'am? Is it okay? Hello? Yes. So this is not the period of corona, but it's the period of corona. तो बहुत सारे लोगों ने इस corona के period में corona किया है। उन्होंने लगातार काम किया है, and they have become successful. बहुत सारे लोगों की नौकरी छूट गई, लेकिन उन्होंने दूसरी चीजें स्टार्ट की जिससे उनका स्टार्टअप आ गया। सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर। सो दीज पैंडेमिक सिचुएशंस, दे आर कमिंग टू अस टू मेक अस अंडरस्टैंड दैट वी आर मच बेटर देन व्हाट वी आर। सो दैट्स व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं, गुड इज नॉट गुड व्हेन बेटर इज एक्सपेक्टेड। सो आप सभी से बेटर की एक्सपेक्टेशन है। आपने मुझे आमंत्रित किया,